देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी जिसकी महिमा अनंत है, कहते हैं यहाँ पर जो भी मुराद मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। महादेव की नगरी में बाबा विश्वनाथ सबकी झोली भरने के लिए बैठे हुए हैं। शायद यही वजह है कि 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो वर्तमान रूप में आज भी स्थापित है। लेकिन इस बार एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है 8 मार्च को, यानी 8 मार्च 2019 वह ऐतिहासिक दिन होगा जब 1780 के बाद पहली बार विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में कायाकल्प होने की शुरुआत होगी। यह कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, यानी 1780 लगभग 250 साल के बाद कोई पहला ऐसा शासक होगा देश में जो विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प करने की तैयारी करके आ रहा है। विश्वनाथ मंदिर को अब बाबा विश्वनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा, जिसकी तैयारी भी पूरी हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी भूमिका बनाते हुए अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधिकारी इस कार्य को बखूबी करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ एक पूरा एक इसकी गरिमा और वृद्ध करने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि करीब 240 साल पूर्व महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इनका अंतिम बार इस मंदिर का एक जीर्णोद्धार किया था, इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो उन्होंने आकार दिया था। उसके पश्चात आज माननीय प्रधानमंत्री जी इसका अब एक वापस इनका गरिमा को और वृद्ध कर रहे हैं और एक विश्व स्तरीय इसका रूप उसको देने का हम लोग संकल्पित है। कुल मिलाकर कहा जाए तो वाराणसी में प्रधानमंत्री का 8 मार्च को होने वाला दौरा ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि उनका एक बड़ा सपना यहाँ पर पूरा होगा। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।